भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो बाबा श्याम। आवाज लगाओ एक बार, कहाँ हो बाबा श्याम। ओ मुझे तेरा सहारा है, ये किस वक्त का भजन है मालूम? जब द्रौपदी हार गई, पल्ला पकड़ के खड़ी रही, तब तक नहीं आया, मगर जब छोड़ दिया, कहाँ हो सांवरिया, ये आवाज नरसी ने लगाई। कब? भजन करते नहीं, जब लड़की वालों ने लिख के भेज दिया ये सामान चाहिए, और जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी तब वो नानी ने आवाज लगाई थी, कहाँ हो सांवरिया। ये आवाज सुदामा की धर्म पत्नी की थी, जब बच्चों को पानी में राख मिला मिला के पिलाती और थक चुकी थी, कहाँ हो सांवरिया। ये आवाज अर्जुन की थी, जब शस्त्र छोड़ चुका था, बोला नहीं लड़ पाऊंगा, आवाज लगाई, कहाँ हो सांवरिया। ये आवाज हर उस भक्त की है, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, कोई साथ नहीं देता, तब भरे दरबार में खड़ा होकर कहता है, कहाँ हो बाबा श्याम, मुझे तेरा सहारा है, ओ, कि तेरे सिवा कोई नहीं है। ये पड़ोसी पूछते हैं कहाँ है तेरा सांवरिया, तो मैं आपसे पूछता हूं, कहाँ हो बाबा श्याम, मुझे तेरा सहारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। ये उस भगत की आवाज है, जिसकी शादी को तो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, मगर गोद सुनी है। लोग ताना देते हैं कि तू खाटू 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 करता है, कहाँ है तेरा खाटू वाला, और जब 10 साल बाद गोद भरती है तो बच्चे को लेकर कहता है, यहाँ है बाबा श्याम, मुझे इनका सहारा है, भीगी पलकों ने। ये उसकी आवाज है जिसको गर्दिश के दिनों में अमीर लोगों ने कहा था कि तेरे बस का नहीं है गाड़ी में बैठना, वो गाड़ी लेकर आता है और अंदर बाबा को बिठाता है, उनको बताता है, यहाँ है बाबा श्याम। ये उस बच्चे की आवाज है जो सीए में पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, जब दोस्तों ने ताना मारा, हिम्मत नहीं छोड़ी, तीसरी बार में पास होकर आया, तब आवाज लगाई, यहाँ है बाबा श्याम। अगर आप भी ऐसे हो, आपको भी दिया है, तो आप आवाज लगाना कि बाबा सब कुछ दे दिया, अब तू कहाँ है, अब वो देखने भी आ जा जो मुझे दिया है। मिलकर गाना दोनों हाथ की ताली बजाते, भीगी पलकों ने शाम पुकारा, अंदर भी बाबा की आवाज आपको सुनाई दे। एक बार, कहाँ हो सांवरिया, अजी कहाँ हो सांवरिया, ओ मुझे तेरा सहारा है, भीगी पलकों ने
अगर दिल वाला है तो शोर मचा के बता एक बार, जोरदार दोनों हाथ की ताली बजनी चाहिए। दरबार निराला है बाबा दिल वाला, उसे दुनिया के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों हाथ उठा के बोलो, तुमसे मांगेंगे तू ही देने वाला है, बस तुमसे मांगेंगे तू ही देने वाला है। जो जग से हार गए, जो जग से हार गए, ओ यारा वे, जो जग से हार गए, जो जग से हार गए, तुमने तारा है भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। पीछे से हाथ उठने चाहिए पीछे से, और पीछे से उठते उठते आगे उठने चाहिए। दोनों हाथ जो आगे खड़े हैं आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है, जो आगे बैठे हैं आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। आगे वाले पीछे वालों का काम बनवा दो, और पीछे वालों आगे वाले बाबा शाम को अर्जी लगा दो। जरा ताली बजा के ये बात, एक दो तीन चार। चाहते हो तो मिलकर कहना, हारे को जिताते हो गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो गिरते को उठाते हो। ये हाथ कौन उठाता है? जो गिरता है मुझे उठाओ, जो गिरता वही तो हाथ उठाता है। हारे को जिताते हो गिरते को उठाते हो, जैसे कितनों को, मुझ जैसे कितनों को, मुझ जैसे कितनों को, मुझ जैसे कितनों को तूने पार उतारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। भैया थोड़ा साइड हो जाइए, ढोलक वाले भाई साहब हमें देख नहीं पा रहे, थोड़ा सा पीछे मिलके बजाओ भाई, एक जैसा लगे, अखाड़ा ना लगे। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। ये बच्ची 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, वो 6 साल की होगी। इनके माँ बाप गए होंगे खाटू 2 साल पहले, उनको 30 साल की उम्र में बाबा मिला, लेकिन उनकी वजह से इसको 2 साल में बाबा मिल गया। ये बच्चे छोटे छोटे आए, कितनी उम्र है इस बच्चे की? 6 साल। कहां इसके पापा? कहीं और भी बैठा हो सकता है, यहां जुड़ के ही रहता है। आप कब गए खाटू पहली बार? 98 में। तब आपकी कितनी उम्र थी? 14 साल। आपको 14 साल में मिला, इसको पैदा होते ही मिल गया। ये आपकी कमाई है, अपने बच्चों के लिए ताली बजाना। ये बच्चे पता नहीं क्या मांग जाते हैं। अभी दिल्ली किसी के घर में बैठा था, उस बहन के 2 बेटी 1 बेटा था। बोली कन्हैया जी बाबा से तीसरी भी बेटी मांगी थी, लेकिन बाबा ने सुनी नहीं।
तीसरा बेटा दे दिया। उसकी 8 साल की बच्ची खड़ी होके आई, बोली मम्मा बाबा को कुछ ना कहो, आप तो बेटी मांगने गए थे, मैं भाई मांगने गई थी। आपकी नहीं सुनी मेरी सुन ली, तो आपके बच्चों की सुन लेगा, आपकी नहीं सुनेगा तो उनको कह के लाया करो। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, एक ये दो ये तीन। शाम प्यारे की, लख दातार की, नीले के असवार की, शीश के दानी की। तरस नहीं आता कितना तरसाओगे, तुम्हें तरस नहीं आता कितना तरसाओगे। ओ बाबा खाटू वाले श्याम जी, बाबा खाटू श्याम जी, कर दो मेरा भी हर काम जी, कर दो शाम धनी तातार रे तेरी अलबेली सरकार रे, बाबा शाम धनी सरकार रे तेरी अलबेली सरकार। और देखो बाबा की खासियत, बाबा सिर्फ देखता है, देते हुए हाथ किसी ने नहीं देखे, सिर्फ देखता है। देखो और देखने से पता क्या होता है, देखे जिसको भी तू प्यार से, देखे जिसको भी तू प्यार से, ऐसे प्रेमी कभी ना हारते, ऐसे प्रेमी कभी ना हारते। बाबा मुझको तेरी दरकार रे तेरी अलबेली सरकार रे, शाम धनी तातार रे तेरी अलबेली सरकार। सरकार है कि नहीं है बाबा की, ताली बजाकर गाना। कब तक रोएंगे कब तक रुलाओगे, तरस नहीं आता कितना तरसाओगे, तरस नहीं आता कितना तरसाओगे। सारे सारे कैमरे उस बच्ची की तरफ करो। कब तक रोएंगे कब तक रुलाओगे, कब तक रोएंगे कब तक रुलाओगे, तुम्हें तरस नहीं आता कितना तरसाओगे, तुम्हें तरस नहीं आता कितना तरसाओगे। मित्तल की किस्मत को, किस्मत को यारा वे, मित्तल की किस्मत को, देगी किस्मत को, मित्तल की किस्मत को, तुमने ही संवारा है भीगी पलकों ने, शाम पुकारा है भीगी पलकों ने शाम। ये दरबार लोग जानना चाहते, कन्हैया मित्तल ने ऐसा क्या कर दिया कि बाबा खुश हो गया। उसने कुछ नहीं किया, उसने बस इतनी सी बात रखी कि इस मंच पे अपने दिल का द्वेष नहीं निकाला, इस मंच पे अपने दिल का प्रेम निकाला। मित्तल की किस्मत को, बाबा क्यों आया है बताओ, बाबा किस लिए आया है? बाबा हमारे प्रेम के लिए आया है।
और हम आपस की बैर भावना उसको दिखाएंगे, क्या बाबा बैठा रहेगा? आपके घर में दादा हो और आप उसके सामने लड़ रहे हो तो वो दादा वहां से उठ के चला जाता है, वहां बैठा नहीं रहता। अगर वो बच्चे कहें दादाजी बताओ क्या हम सही है कि गलत है, तब वो दादा डिसीजन देता है, नहीं तो दादा उठ के चला जाता है। दादा तब तक बैठा रहता है जब तक उसके सम्मान में उसका नाम लिया जाए, उससे प्रेम की बात की जाए, तब तक दादा बैठा रहता है। मुझ जैसे कितनों को, हम जैसे कितनों को। एक प्रेमी, दुकान नहीं चलती थी उसकी, इलेक्ट्रॉनिक का काम किया, पिताजी को बोला मैं कामयाब हो जाऊंगा। 2 महीने तक दुकान खोल के रखी, एक प्रोडक्ट नहीं बिका। बाबा को नहीं जानता था, किसी ने कहा खाटू जा रहा हूं तो बोले भाई जाओ, जब कमाई धमाई होगी तो हम भी चले जाएंगे, फिलहाल तो खर्चा करने की हिम्मत नहीं है। वो वापस आया, उसकी बात बाबा को सुनाई गई। वो बोल के आया बाबा को कि बाबा मेरा जो पड़ोसी है ना, उसके कमाई धमाई नहीं है, उसके आने की गुंजाइश नहीं है, तो तू आ जा उसके पास। बाबा का स्टिकर ले आया 3 बाण का, और जिसके कमाई धमाई नहीं थी उसने अपने शटर पे लगा लिया। बोला काउंटर पे क्या लगाना, शटर पे लगाता हूं, अंदर तो कोई आता नहीं, बाहर से कोई देख के जाएगा कम से कम बाबा का नाम तो लेगा। बाबा के दिल पे लग गई, बोला ये, इसको ये परवाह नहीं है कि मेरी दुकान चल रही है कि नहीं, इसको ये परवाह है बाबा का नाम हो रहा है कि नहीं। जैसे स्टिकर लगाया, बगल वाली दुकान जिस पे लाइन नहीं टूटती थी उसको गुस्सा आना शुरू हो गया। ग्राहक बोलते जल्दी करो, बोला ज्यादा जल्दी है बगल वाले से ले ले, ज्यादा जल्दी है बगल वाले से ले ले, ज्यादा जल्दी है बगल वाले से ले ले। ये चल के थोड़ी ना आएगा, ये आपके प्रेम को समझेगा। अब पड़ोसी ने देखा, बोला ये चक्कर क्या, सारी लाइन इधर कैसे चली गई, वो 9 बजे आता था बगल वाला, ये 8 बजे आ जाता था, तो एक दिन वो 7:45 ही आ गया। बोला चेक करता हूं आके करता क्या है। वो कुछ नहीं करता था, आधे घंटे तक उसी स्टिकर को कपड़ा मारता था। चमकाओ, जिसने चमकाया उसे चमकाओ। उसको पता लग गई, वो भी पहुंच गया, बोला बाबा ऐसा ना कर, देख मैं भी तेरा बच्चा पक्का हूं। एक स्टिकर वो भी ले आया। भाई किसी की जागीर थोड़ी ना है बाबा, जितना मेरा उतना आपका, जितना आपका उतना मेरा। उसने भी लगा ली। अब थोड़े इधर आने लगे, थोड़े इधर आने लगे, दोनों को ब्योंत दे दिया कि आजा खाटू आना शुरू कर दे। मुझ जैसे कितनों को प्रभु पार उतारा है, लेकिन क्यों किया? प्रेम सच्चा था। अगर वो कहता बाबा सिर्फ काम मुझे दे, बगल वाले को छोड़, बाबा ने नहीं सुननी थी। इस दरबार का नियम है, अगर 2 बहनें दरबार में खड़ी है, आगे वाली के पास औलाद नहीं है और पीछे वाली बेटा मांगने गई है लेकिन औलाद है, तो पीछे वाली बाबा को कहती है, बाबा मुझे बेटा दियो ना दियो, मेरे पास तो 2 बेटी है लेकिन आगे वाली के पास औलाद नहीं है, इसको जरूर दियो बाबा। उसको मिलता है, उसको मिलता है। मुझ जैसे कितनों को प्रभु पार उतारा है, भीगी पलकों ने शाम। कौन कौन पुकारेगा? दोनों हाथ उठा के, भीगी पलकों ने शाम पुकारा, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो सांवरिया, कहाँ हो बाबा श्याम, कहाँ हो बाबा श्याम। ये आप आवाज लगाओगे दोनों हाथ उठा के, पुकारो एक बार, कहाँ हो बाबा श्याम, कहाँ हो बाबा श्याम।
शीश के दा